देखा जाए तो 10% का अगर आप डेली काम करते हैं तो 30 दिन में 300%, 3 गुना प्रॉफिट हो जाता है। अगर आपने 1 करोड़ रुपया लगाया तो 1 महीने में 3 करोड़ रुपया होंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच अशोक गुप्ता सर हैं, जिनके पास 49 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में और 28 कंट्री में सर ट्रेवल कर चुके हैं। सर नमस्कार आपका। नमस्कार राहुल जी। और देखिए, वैसे तो हम बात करते थे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की, आप सबके लिए हम लाए हैं सर को लोकल बिजनेस के लिए। तो आज जानेंगे सर से हम, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस हमारी हैं, आप जाके यूट्यूब पे चेक करिएगा, उसमें कौन कौन सी वीडियो आपके लायक है उसको आप सेव कर लीजिए, क्योंकि आगे जब आप स्क्रैप का बिजनेस स्टार्ट करेंगे ना तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। और मैंने देखा है हमारी बहुत सारी वीडियोस लोग बस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप जाके सब्सक्राइब कर लो। हमें यूट्यूब से कमाना नहीं है सर, अशोक सर के ऑलरेडी बहुत सारे बिजनेस है, मेरे ऑलरेडी और बहुत सारे बिजनेस है, हम एक नॉलेज दे रहे हैं आपको, जो अशोक सर का एक्सपीरियंस है वो आप, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, हम बात कर रहे थे आयरन स्क्रैप, हम सर आयरन स्क्रैप की बात कर रहे थे। आयरन स्क्रैप में बहुत सारे लोग क्या है सर, नॉर्मली खरीदते हैं बेचते हैं, आजकल आपने देखा होगा मैसेज सर्विस चलती है, वो मैसेज पे माल लेना चाहिए हमें नहीं लेना चाहिए, हमारे जैसे आप मंडी गोविंदगढ़ की बात करते हैं, मंडी गोविंदगढ़ कितने रेट पे लेते हैं, तो थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करिए पूरा डीप में जाके कि आयरन स्क्रैप का जो बिजनेस करते हैं वो कितने का माल लेते हैं, लेने के बाद डीलर उनका कितने का लेता है और डीलर वो आगे कितने का बेचता है, थोड़ा सा प्रॉफिटेबल हो जाए बिजनेस, इससे लोग अवेयर करें और जो जीरो से शुरुआत कर रहे हैं वो थोड़ा सा डीप जा पाए। जी बहुत अच्छा राहुल जी, ये क्योंकि लोकल बिजनेस के बारे में बहुत कम वीडियोस सोशल मीडिया पर हैं, तो मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छा बिजनेस है और लोकल में कोई बहुत कम 5-10-20 हज़ार से भी शुरू कर सकता है और 20 हज़ार से शुरू करके वो 20 लाख का काम 1 महीने में कर सकता है, बहुत आसान है। तो इसके लिए उसको थोड़ी स्क्रैप के बारे में नॉलेज होनी जरूरी है, तो नॉलेज कोई सिखाने वाला होना चाहिए, काफी नॉलेज तो आपका जब ऐप एप्लीकेशन है बिल्कुल उसको अगर वो प्रॉपर देखेगा तो उसको कितनी तरह का स्क्रैप होता है, कितने सिटीज में होता है, ये सारी बातें उसको पता लग जाएंगी। और एक सबसे बड़ी चीज होती है कि इस स्क्रैप की क्या कीमत है, अप्रॉक्सीमेट कीमत क्या है, तो वो आपका एप्लीकेशन बताता है, क्योंकि आज की तारीख में ऐसे एप्लीकेशन ना के बराबर है। और सबसे बड़ी बात यह, अगर उसे कहीं स्क्रैप मिल रहा है तो वो उसको खरीद भी सकता है वो आपके एप्लीकेशन के थ्रू और बेच भी सकता है। तो स्टार्टिंग करने के लिए मेरा मत बोलिए, आपका ये एप्लीकेशन देखिए ऐसा है तो बस ठीक है, आपका ये कहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो एनर्जी आपके अंदर है वो हम नहीं कर सकते, हमारी गाइडेंस में सारा काम हुआ है लेकिन करने वाले आप ही हैं। तो मैं ये कहूँगा कि उसमें आपको जो नए लोग हैं उसको उस एप्लीकेशन का बहुत फायदा मिलेगा और पुरानों को तो बहुत फायदा मिलता ही है, क्योंकि पुरानों लोगों को भी पता होना चाहिए रेट क्या है या इन दिल्ली में क्या है, बॉम्बे में क्या है, कलकत्ता में क्या है, विशाखापट्टनम में क्या है, जितने भी सेंटर हैं मंडी गोविंदगढ़ में क्या है, तो वो सब हेल्प मिल जाती है। तो आप जल्दी से जल्दी इसको लोकल करके बहुत प्रॉफिट कमा के आप फिर इंपोर्ट में जा सकते हैं बिल्कुल। और इससे जब लोकल में आप काम करेंगे तो जितनी वैरायटी स्क्रैप की है वो आपको पता चल जाएगी। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू आपने बताया। और सर अब आते हैं जैसे आयरन स्क्रैप की बात करें तो इसमें एक मोटा लोहा होता है, एक मिक्स माल होता है, एक पतरा होता है, तो इसके रेट थोड़े से डिफाइन करिए। जैसे एक HMS होता है, हैवी मेल्टिंग स्क्रैप जिसे बोलते हैं, एक होता है मोटा लोहा, उसको भी शायद आपकी भाषा में क्या बोलते हैं, उसके बाद आता है जो नॉर्मल घरों का होता है, उसके बाद आता है पतरा। तो ये 4-5 जो स्क्रैप होते हैं ये किस किस रेट में जाते हैं, 1-2 रुपए प्लस रहता है, क्या रहता है, जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है वो बताइए सर। देखिए देखिए मैं जानता हूँ सर को लोकल बिजनेस का एक्सपीरियंस बहुत कम है, बट फिर भी हम सर से नॉलेज ले रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी जब आप बाहर चले जाते हैं तो वहाँ पे वो लोकली भी तो एक्सपीरियंस होता है सर का, तो वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ सर, आप प्लीज थोड़ा सा बताइए इस चीज के बारे में। जी राहुल जी, देखिए जो वैरायटी है वो क्यों इतनी वैरायटी बन गई है, तो ये इस आधार पे बनी है कि वो जो हम स्क्रैप जो भी कहीं से लेंगे, किसी कंपनी से लेंगे, किसी फैक्ट्री से लेंगे या घरों से लेंगे, हाँ जी, तो उसको गलाने के बाद उसमें रिकवरी कितनी आती है, इस बेस पर उसकी वैरायटी बनती है। बिल्कुल सर। और वो वैरायटी के नाम अलग अलग रख दिए गए, HMS हैवी मेल्टिंग स्क्रैप,
जो सीधा मेल्टिंग की भट्टी में चला जाता है, हैवी होता है बिल्कुल, और पतरा जो है वो थोड़ा फ्लफी होता है, टीन वगैरह जो है उसके अंदर थोड़े मेटल, दूसरे भी मेटल या मिक्सिंग हो सकती है, इस आधार पे उनके डिफरेंट डिफरेंट प्राइस होते हैं। तो ये तभी हो पाएगा जब आप लोकल बिजनेस थोड़ा सा करेंगे, और जैसे आप जब आप बेचने जाएंगे वही आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे देगा, उसी आधार पे आप खरीद सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात मेटल स्क्रैप बिजनेस की है कि इसमें डेली का टर्नओवर हो जाता है, अच्छा, तो इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी बहुत, अगर आप देखिए 5-10% का प्रॉफिट तो नेचुरल है, तो देखा जाए तो 10% का अगर आप डेली काम करते हैं तो 30 दिन में 300%, 3 गुना प्रॉफिट हो जाता है। अगर आपने 1 करोड़ रुपया लगाया तो 1 महीने में 3 करोड़ रुपया हो गया। बट सर तो, माल भी मिलना चाहिए, माल भी कई, हाँ, लेकिन जो इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं दिल्ली जैसे, बॉम्बे जैसे, नागपुर, इंदौर, जो हर जगह इंडस्ट्री है, तो वहाँ स्क्रैप तो बनता ही बनता है। यहाँ तक कि 4 आदमी अगर एक जगह बैठते हैं तो थोड़ा सा कूड़ा वहाँ इकट्ठा हो जाता है। बिल्कुल सर, तो स्क्रैप इज वेरी गुड आइटम, और मैं ये कहूंगा सबसे बड़ी बात यह है, आपका मैंने देखा एप्लीकेशन इतना इंफॉर्मेटिव है नए लोगों के लिए, अगर उसे ही डेली देख लें तो काफी बिजनेस कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, हमारा एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे, आप वो जाके डाउनलोड करिए, उसमें आपको मेटल, स्टील, पेपर, प्लास्टिक, गत्ता की सबके लाइव रेट मिलते हैं, और साथ में बाय सेल करने का ऑप्शन भी मिलता है, वहां पे आप बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। और हाँ, आपने, मैं बार बार कह रहा हूँ, सब्सक्राइब नहीं करा अभी कर लो, आगे और वीडियोस आ रही है, कॉपर की भी आ रही है, एल्युमिनियम की भी आ रही है, ब्रास की भी आ रही है, बैटरी की भी आ रही है, सारी मार्केट बताएंगे, और साथ में ही आपको काम चालू करा के बनो।